और चंडीगढ़ में हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव 2018 में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्रियों ने सरकार के चार सालों की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में चुनावी घोषणा पत्र के लगभग 90% वायदे पूरे किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले एक साल में बाकी वायदे भी पूरे किए जाएंगे। बोलते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां देकर के जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाओं को चला रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। सीएम खट्टर ने दावा किया कि सरकार ने ई सेवाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है और उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए प्रदेश को अलग अलग 42 अवार्ड मिले हैं। मैं समझता हूं चार वर्ष में जो हमने काम किया है, आज भी जनता को ये भरोसा है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमें चुना था उनके मन का विश्वास पूरा हुआ और आज हम जो जो वायदे हमने किए थे उन सब वायदों के ऊपर हम पूरा उतरे हैं। जनता को डिलीवरी की है, दिस गवर्नमेंट इज ऑफ गिविंग द डिलीवरी। इस प्रकार के सिस्टम पर आज जनता को पूरा विश्वास है। देखिए, हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में उस समय जो कुछ कहा था, मैं मान के चलता हूं कि मोर देन 90% उसमें पूरा हो गया है। जो योजनाएं हमने बताई थी वो सब योजनाएं लागू हो गई हैं, उन योजनाओं के आधार के ऊपर सिस्टम खड़े हो गए हैं। एक कुछ 5-7 अगर बातें ऐसी बचती हो, मानो अगर गिनती गण करके मैं बताऊंगा तो 176 घोषणाएं हमने उसमें की थी और जिसमें से 160 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है। केवल 15-16 बातें ऐसी हैं जो हमारे पास एक वर्ष का समय बाकी है, लोगों से परिचय करने में, और जो उन्होंने उल्टा सीधा